नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग ठक्कर आज आपसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी गर्ड, हायटस हर्निया और हार्ट बर्न यानी कि सीने में होने वाली जलन के बारे में बात करूंगा। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी गर्ड क्या है, हायटस हर्निया क्या है, हार्ट बर्न किसे कहते हैं, इस स्थिति से जुड़े जोखिम क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या ऑपरेशन से कोई फायदा हो सकता है, चलिए इस सब विषय पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जब खाते हैं तब क्या होता है। हम जब भोजन निगलते हैं तब भोजन इसोफेगस के रूप में जाने जाने वाली नली द्वारा गुजरता है, जिसे हम अन्न नली कहते हैं। यह एक लंबी स्नायु की नली है जो भोजन को जठर तक ले जाती है, जहाँ उनका पाचन होता है। पेरिस्टाल्सिस के रूप में जाने जाने वाले संकोचन द्वारा भोजन अन्न नली में नीचे की ओर जाता है। अन्न नली के छोर पर भोजन स्नायुयुक्त वन वे वाल्व से गुजरता है, जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या LES के रूप में जाना जाता है। आप जब भोजन निगलते हैं तब यह वाल्व खुलता है, जिससे भोजन जठर में गुजर सकता है। इस वाल्व की ऐसी रचना है जो आपके भोजन निगलते ही चुस्त रूप से बंद हो जाता है, जिससे अन्न नली में कुछ भी वापस ऊपर नहीं आ पाता। डायफ्राम के रूप में जाने जाने वाला तथा श्वास लेने में उपयोगी एक स्नायु सीने और पेट को अलग करता है। पेट तक पहुंचने के लिए अन्न नली डायफ्राम के एक छिद्र से गुजरती है, जिसे हायटल रिंग या इसोफेजियल हायटस या मात्र हायटस के रूप में जाना जाता है। आपके डायफ्राम का काम अन्न नली के आसपास चुस्त रूप से दबाव करना भी है, जिससे वाल्व को मजबूती मिलती है। आपके जठर में प्रोटीन पंप के रूप में जाने जाने वाले कुछ कोश भोजन को हजम करने में मदद करने के लिए एसिड छोड़ते हैं। आपके जठर में रहा आवरण इस एसिड से सुरक्षा देता है, परंतु अन्न नली में अलग प्रकार का आवरण होता है, जिसे एसिड से नुकसान हो सकता है। जब भोजन को आंत में धकेलने के लिए जठर संकोचन करता है तब वाल्व चुस्त रूप से बंद हो जाता है, जिससे एसिडिक रस अन्न नली में प्रवेश कर उसे नुकसान न पहुंचाए। सामान्य तौर पर बहुत कम मात्रा में एसिड कभी कभी अन्न नली में प्रवेश किया करता है। इसे एसिड रिफ्लक्स अर्थात एसिड का वापस जाना कहते हैं। जबकि वाल्व कमजोर हो जाने पर वह चुस्त रूप से बंद नहीं हो पाता है, जिससे एसिड और भोजन बार बार और बड़ी मात्रा में अन्न नली में वापस जाता है। इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गर्ड कहते हैं। जठर के लिए गैस्ट्रो और अन्न नली के लिए इसोफेजियल शब्द है। एसिड के कारण अन्न नली को नुकसान होने पर आपको सीने में नीचे के हिस्से में जलन होती है, जिसे हार्टबर्न कहते हैं। कई बार अन्न नली के आसपास डायफ्राम कमजोर हो जाता है, जिससे हायटस अधिक बड़ा हो जाता है। वह जब बड़ा होता है तब जठर का एक हिस्सा सीने की ओर चला जाता है, जिसे हायटस हर्निया कहते हैं। हर्निया के कारण अन्न नली और वाल्व सीने में ऊपर की तरफ धकिया सकता है, जिससे डायफ्राम वाल्व को मजबूती नहीं दे पाती। इस कारण एसिड के अन्न नली में प्रवेश करने की आशंका बढ़ जाती है। हायटस हर्निया से वाल्व प्रभावित हो सकता है और गर्ड का जोखिम तथा तीव्रता बढ़ सकते हैं। एसिड यदि वर्षों तक अन्न नली में छलकता रहे तो अन्न नली में अल्सर, स्ट्रिक्चर यानी कि संकोचन या बैरेट्स इसोफेगस जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। बैरेट्स इसोफेगस ऐसी समस्या है जिसमें अन्न नली में 8 प्रकार के कोश की असाधारण वृद्धि होती है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। अल्सर से खून बहने की वजह से शरीर में खून की कमी भी आ सकती है। अगर आपको गर्ड हो तो हार्टबर्न हो सकता है, जिसमें सीने के निचले हिस्से में जलन होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सोते हो या झुकते हो तब भोजन या एसिडिक प्रवाही उछलकर गले तक आ जाए। आप भोजन के बाद तुरंत सो जाते हो या झुकते हो तब ऐसा अधिकांश होता है। लंबे समय के गर्ड से भोजन निगलने में दिक्कत, खांसी, सांस की समस्या, अस्थमा या सीने में दर्द भी हो सकता है। सीने का यह दर्द कभी हार्ट अटैक जैसा भी लगता है। अगर आपको सीने में पीड़ा होती हो और आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका हृदय नॉर्मल है तो आपको गर्ड की समस्या हो सकती है। आप में ऊपर के लक्षण हो तो आपको एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। इससे आपके LES वाल्व की कमजोरी, हायटस हर्निया की उपस्थिति, अन्न नली को हुई क्षति
एच पाइलोरी इन्फेक्शन तथा गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर की जानकारी मिलेगी। निदान को लेकर कोई भी संदेह हो या हम सर्जरी के बारे में सोच रहे हो तो इसोफेजियल मैनोमेट्री और 24 घंटे के पीएच और इम्पीडेंस स्टडी की आवश्यकता पड़ सकती है। उपचार को सामान्य तौर पर चिकित्सा उपचार और सर्जिकल उपचार में विभाजित किया जाता है। चिकित्सा उपचार में जठर में पैदा होने वाले एसिड की मात्रा कम करने की दवाइयाँ, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ हो तो उसका उपचार, भोजन और जीवन शैली में बदलाव, और अगर आप स्थूलकाय हो तो वजन घटाने के प्रयास शामिल है। सोते समय बिस्तर में आपके सिर का हिस्सा ऊंचा रखने से भी मदद मिलती है। जीवन शैली में फेरबदल के तहत धूम्रपान और मदपान बंद कर दें, मसाला युक्त और तला हुआ आहार टालें, सोने व खाने का समय नियमित करें, मानसिक दबाव घटाने के कदम और ध्यान का समावेश होता है। इन जीवन शैली में सुधार के अलावा एंटासिड दवाइयां लेने का प्रारंभिक 6 से 8 हफ्ते का कोर्स भी शामिल है। दवाइयां लेने से आपकी स्थिति में सुधार होता हो और उसे बंद करने पर वापस पुनः समस्या शुरू हो जाती हो तो आपको सर्जरी के विकल्प पर विचार करना चाहिए। आप लंबे समय के लिए दवाइयां लेना जारी रख सकते हैं या सर्जरी करवा सकते हैं। दोनों उपचार सही और असरकारक पद्धतियां हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। परंतु एंडोस्कोपी में हायटस हर्निया, अन्नली का अल्सर, अन्नली सिकुड़ने आदि का निदान हुआ हो तो मैं आपको अधिक उचित विकल्प के रूप में सर्जरी की सलाह दूंगा। इसके अलावा गर्ड के कारण आपको सिर हमेशा ऊंचा रखकर सोना पड़ता हो या रिफ्लक्स और खांसी की वजह से आप अगर सो न पाते हो तो सर्जरी आपके लिए वरदान बन सकती है। ऐसे तमाम मरीजों के लिए लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन के रूप में पहचाने जाने वाला ऑपरेशन उचित उपचार होता है। गर्ड के उपचार या हायटस हर्निया के उपचार के लिए फंडोप्लिकेशन किया जाता है। फंडस यानी जठर का शीर्षस्थ हिस्सा, प्लिकेट यानी फोल्ड या गड़ी लगाना। इस ऑपरेशन में जठर के शीर्षस्थ हिस्से को अन्नली के आसपास फोल्ड किया जाता है और वाल्व को मजबूती दी जाती है। ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक पद्धति से की जाती है जिसमें आपके पेट में 5 छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल एनेस्थेशिया के तहत की जाती है और उसमें ऑपरेशन की अवधि के दौरान आप बेहोश रहेंगे। एनेस्थेशिया के लिए आपको ऑपरेशन के समय के 6 घंटे पहले से भूखा रहना होगा। अगर इस 6 घंटे में आपकी हृदय, बीपी या अन्य रोजिंदी दवाइयों का समय आता है तो आप उसे 2 घूंट पानी के साथ ले लीजिए। भूखे होने की वजह से डायबिटीज की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो आपको उसे बंद करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी पुष्टि आपको आपके सर्जन से कर लेनी चाहिए। आपके मुंह से लेकर आपके गले तक एक सांस की नली डाल दी जाएगी जिसकी मदद से आप सांस ले पाएंगे। जठर तक पहुंचने के लिए हम ट्रोकार नाम के तेज धार उपकरण की मदद से पेट में 5 छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं। इन्हें पोर्ट्स कहते हैं। इन पोर्ट्स के स्थान का निर्धारण आपकी बीमारी और हमारी पसंदगी पर निर्भर रहता है। सामान्य तौर पर नाभि पर एक पोर्ट बनाया जाता है जिसे अम्बिलिकल पोर्ट कहते हैं। इसके बाद एक पोर्ट के द्वारा हम पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के पेट को फुलाते हैं। इससे अंदर के अंग देखने में आसानी रहती है और ऑपरेशन करने के लिए जरूरी जगह मिलती है। अब हम अम्बिलिकल पोर्ट से लेप्रोस्कोप पेट में दाखिल करते हैं और इसके कैमरे से बनी छवि हमें ऑपरेशन थिएटर में लगे मॉनिटर पर दिखती है। इसके बाद अन्य पोर्ट द्वारा अन्य साधन पेट में दाखिल करके हम फंडस को आसपास के अवयवों से अलग करते हैं। आपको हायटस हर्निया हो तो हम जठर का हर्निया वाला हिस्सा पुनः उदर में खींच लेंगे। हम हायटस को टांकों से चुस्त बनाएंगे जिससे फिर से हर्निया होना रोका जा सके। यदि हायटस बहुत बड़ा हो तो मैश यानी कि जाली का उपयोग करके हायटस की मरम्मत को मजबूती दी जाती है। फंडस को नजदीक के ढांचे से अलग करने के बाद हम अन्ननली के नीचे के हिस्से के निकट उसे बांध कर सील देंगे। इस तरह बांधे जाने से वह एलियस वाल्व को चुस्त बनाकर मजबूत करता है। अंत में हम यह देख लेते हैं कि कहीं से रक्त स्त्राव तो नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेट से निकालने के लिए एक पोर्ट वाल्व को कुछ देर के लिए खुला छोड़ा जाता है। अंत में टांके लेकर छिद्र बंद कर दिए जाते हैं और पट्टी कर दी जाती है। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन में सामान्य तौर पर 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ऑपरेशन के बाद सांस की नली हटा दी जाती है और फिर मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है जहां उनकी निगरानी होती है। जरूरत के अनुसार दर्द की दवाइयां भी दी जाती है
ऑपरेशन के बाद मरीज को नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि एनेस्थेसिया में बेहोशी की दवाई दी जाती है। हम मरीज को जल्द ही हाथ पांव हिलाने और सीधा बैठने की सलाह देते हैं। अधिकतर पेशेंट ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही उठकर चल सकते हैं और खुद टॉयलेट भी जा सकते हैं। चलने फिरने की कोई मनाही नहीं है, और सच तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को ऐसा लगता है कि जितना वो चलते हैं फिरते हैं उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। सीधे बैठने, हिलने और चलने से दर्द भी जल्द ही कम हो जाता है। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद प्रवाही जैसे कि पानी, चाय, कॉफी, दूध, जूस, सूप वगैरह दिया जा सकता है। अगर पहली बार उल्टी आए तो फिक्र की कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद फिर से कुछ पिलाने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद 1 सप्ताह तक नरम आहार दिया जाता है और फिर सामान्य भोजन लिया जा सकता है। कुछ मरीजों को शुरुआत के कुछ दिनों तक भोजन गले से उतारने में अटकन महसूस हो सकती है। इसका कारण सर्जरी के दौरान आपकी अन्न नली पर हुई कार्यवाही है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो उसके संबंधित परहेज रखना जरूरी है। प्रवाही शुरू करने के बाद आपको अपनी रोजिंदी हृदय, बीपी और डायबिटीज की दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। ऑपरेशन के पहले कुछ दिनों में हल्का और कम खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए और धीरे धीरे ही अपने पहले वाली खुराक पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद एक साथ ज्यादा खाने से आपका पेट बहुत भारी महसूस होगा। सामान्य तौर पर हम सर्जरी के बाद 2-3 दिनों में मरीज को छुट्टी दे देते हैं। हृदय, फेफड़े या किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए उनकी बीमारी की स्थिति के अनुसार अस्पताल में ठहरने के दिन कुछ ज्यादा हो सकते हैं। सर्जरी के दूसरे दिन से आप स्नान कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कोई टांके निकालने की जरूरत नहीं होती है और बस घाव पर पट्टी बदलने की जरूरत होती है, जिसे फॉलोअप के दौरान किया जाता है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो 1 सप्ताह में आप काम पर जा सकते हैं। कुछ दिनों में ही कार या मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं और जितना चाहे उतना पैदल चल सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है। फंडोप्लिकेशन कराने वाले अधिकांश लोगों को रिफ्लक्स के लक्षणों में लंबे समय तक राहत मिलती है। सर्जरी के बाद भी हम जीवन शैली के फेरबदल जारी रखने की सलाह देते हैं। आदर्श रूप से प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए उनका अनुकरण करना चाहिए। आशा रखते हैं कि आपको आपके सभी सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझे मिल सकते हैं। आपके मन में आने वाला कोई भी प्रश्न आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07929703438 या फिर 8469327634, या तो लॉग ऑन करें www.drchiragthakkar.com या मुझे ईमेल करें drchiragthakkar1307@gmail.com पर। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, यही हमारी शुभकामना है। आपके अंदर के स्वस्थ इंसान को बाहर आने का एक मौका दीजिए।